फ्रेंड्स, आपका हिमाचल रेड राइस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पेजा गांव ले चलता हूं। पेजा गांव का मतलब प्योरेस्ट नेचुरल फार्मिंग, धान की वो कैसे नेचुरल फार्मिंग के थ्रू पैदावार ले रहे हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पनीरी कैसे दी, कैसे उसमें निराई गुड़ाई की, उसको स्वस्थ बनाया और अब वो पनीरी को लगाने की तैयारी में है, रोपाई की तैयारी में है। तो हम पेजा गांव चलते हैं और देख लेते हैं कि वो क्या क्या गतिविधियां अपना रहे हैं, क्योंकि पेजा गांव में किसी तरह का केमिकल, किसी तरह का पेस्टिसाइड या वीडिसाइड कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में नेचुरल फार्मिंग करते हैं। तो चलिए पेजा गांव और देख लेते हैं कैसे वो धान की रोपाई कर रहे हैं। आइए रुख करते हैं पेजा गांव का, जो खासदार पंचायत में स्थित है, रोडू तहसील शिमला डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ एक वैरायटी, लोकल वैरायटी छुहाटू लगाई जाती है, जो कि बिना किसी फर्टिलाइज़र के, बिना किसी केमिकल के लगाई जाती है। तो आप सोच सकते हैं जो पैदावार होती है वह बिल्कुल विष मुक्त होगी। देखिए, किसानों ने अपनी पनीरी दे रखी है, पनीरी की निराई गुड़ाई की जा रही है ताकि उचित समय पर इसे लगाया जाए। पनीरी को वो आखिरी सप्ताह जो अप्रैल का होता है उसमें लगाते हैं और जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसे रोपाई कर देते हैं। इस दौरान करीबन करीबन 2 महीने पनीरी जो है फील्ड में होती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर लो रहता है, जो पनीरी की बढ़वार पूरी तरह से नहीं हो पाती, विकसित नहीं हो पाती, तभी इतना टाइम लगता है। 2 महीने के बाद वो रोपाई करते हैं इस पनीरी को, और इस पनीरी को स्वस्थ बनाकर, बिल्कुल अच्छा बनाकर वो उसकी रोपाई करते हैं। देखिए कैसे निराई गुड़ाई की जा रही है, खरपतवार निकाला जा रहा है, और यह बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ ये बैलों से सारी खेती करते हैं। बहुत सुंदर बात है, बिल्कुल ही नेचुरल फार्मिंग हो रही है। बैलों से जुताई होगी, इसकी मचाई की जाएगी, और मचाई करने से जितने भी खरपतवार हैं उन्हें नष्ट किया जाएगा और अच्छा खेत बनाया जाएगा। पानी की यहाँ कोई कमी नहीं, पानी चांसल ग्लेशियर से आता है, सभी गुणों को साथ लाता है, सभी तत्वों को साथ लाता है। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पानी है। बहुत ही सुंदर पेजा गांव, चारों तरफ खेत पानी से लबालब भरे हुए, बहुत ही विहंगम दृश्य है पेजा गांव का। हो भी क्यों ना, यहाँ का जो चावल पैदा किया जाएगा वो सचमुच ही अद्वितीय है, सचमुच ही वो वरदान है और सोने के रूप में बेचा जाता है। इस गांव को पहले ही प्लांट जीनोम सेवर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। चावल की कीमत यहाँ 800 से लेकर 1200 रुपये प्रति किलो होती है, जिससे कि किसानों का जो आमदनी है वो बढ़ पाएगी, क्योंकि चारों तरफ सेब की खेती होती है, तो सेब को कम्पीट करने के लिए चावल की कीमत को भी थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा ताकि लोग इसे लगाएं और लाभ कमाएं। देखिए, बैलों से पूरी तरह मचाई की जा रही है पेजा गांव में। बैल ही बैल, कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई पावर टिलर नहीं, बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग, कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस नेचुरल फार्मिंग। अगर आपने देखी है, दिखना है तो पेजा गांव जरूर जाएं, इससे कोई अच्छा एग्जांपल हो ही नहीं सकता। सचमुच यह वरदान है इस पृथ्वी पर, इसीलिए भारत सरकार ने इसे अवार्ड से सम्मानित किया है। देखिए रोपाई की जा रही है, अधिकतर इसमें महिलाएं सम्मिलित हैं और अपने गीत को
जो इनका लोकल गीत है उसको गाते गाते हुए रोपाई करती हुई दिख रही हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ही मेहनती हैं और रोपाई करती हुई महिलाएं पेजा गांव से अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा में रोपाई करती हुई सचमुच यह दृश्य अद्वितीय है, विहंगम दृश्य है। ऐसा दृश्य आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। बहुत ही भोले भाले लोग, बहुत ही मेहनती और बहुत ही सुंदर वातावरण में काम करते हुए महिलाएं अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में रोपाई करती हैं। बहुत ही बढ़िया दृश्य पेजा गांव का। चारों तरफ धान ही धान नज़र आते हैं सीज़न में। पानी भी बहुत ही बढ़िया चासल ग्लेशियर से, जो सभी गुणों को साथ लाता है। चावल में कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, फाइबर है, बहुत सारे गुणों को समावेश करता हुआ चावल गुणों की खान है। डायबिटीज़ के लोग, अस्थमा के लोग इसे खा सकते हैं। बहुत ही गुणों से भरपूर, बहुत ही बढ़िया चावल, बहुत ही अद्वितीय दृश्य में जो चावल है वो भी बहुत गुणों से भरपूर। आप पेजा गांव में इस वक्त देख रहे हैं वहाँ की रोपाई कैसे की जा रही है। बैलों से काम लिया जाता है और हाथों से काम किया जाता है। बहुत ही सुंदर पेजा गांव। अभी आपने पेजा गांव में देखा कि धान की मचाई, उसके बाद उसकी रुपाई कैसे की उन्होंने। उन्होंने बैलों के माध्यम से ही किया, कोई ट्रैक्टर या कोई पावर टिलर का इस्तेमाल वो नहीं करते। वो केवल बैलों से ही अपना सारा काम पूर्ण करते हैं और प्योरेस्ट नेचुरल फार्मिंग करते हैं। उनमें किसी तरह केमिकल पेस्टिसाइड के अवशेष नहीं पाए जाते। तो हमने देखा कि कैसे नेचुरल फार्मिंग पेजा गांव में कैसे की जाती है, और जो फूड पैदा किया जाएगा, जो बीज पैदा किया जाएगा, जो पैदावार आएगी वो विषमुक्त होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिमाचल।